अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आपके पास एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या आप अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके के साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जिसका एक ज़रिया OLX है। ये पाकिस्तान की इतनी मशहूर वेबसाइट है कि दराज के बरक्स इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तकरीबन 90% लोग इसको तरजीह देते हैं दराज की बनिस्बत। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, या वहां से अपनी मकसद की प्रोडक्ट कैसे ख़रीद सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप आज बग़ैर इन्वेस्टमेंट के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, OLX पे आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इसी तरह ये बात मशहूर है OLX के बारे में कि वो सिर्फ पुरानी चीज़ें ख़रीदो फरोख्त के लिए वेबसाइट है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पे आप नई चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं और पुरानी चीज़ें भी बहुत आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। ये OLX बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट है जिस तरह की वेबसाइट Amazon वगैरह है, और इसी तरह आप वहां पर ख़रीदो फरोख्त का अमल जारी रख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप OLX पे अपनी ID क्रिएट करेंगे और वहां पर अपनी चीज़ें ख़रीदो फरोख्त के लिए या तो अपनी प्रोडक्ट लगा सकते हैं या वहां से ख़रीद सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी हां दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और OLX को सर्च करें। सर्च करने के बाद अगर आपने पहले से इसको साइन इन किया हुआ है तो आपका ब्राउजर या OLX का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने साइन अप या साइन इन नहीं किया तो आप बाहर से साइन अप या साइन इन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कोई भी चीज़ यहाँ से आसानी के साथ खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर हम जाएंगे सर्च बार पर और यहाँ पर सर्च करेंगे मोबाइल। मोबाइल हम सर्च कर लेते हैं। मोबाइल सर्च करने के बाद यहाँ से सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखिए 10,000 से प्लस एड्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। मतलब 10,000 से ज़्यादा मोबाइल इस वक्त OLX पर सेल के लिए लगे हुए हैं, जो कि पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ पुराने मोबाइल नहीं दिखते बल्कि नए मोबाइल भी दिखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, टेक्नो स्पार्क 6 Go 18,500 का ये बिक रहा है। ये इसका मतलब है कि ये नया मोबाइल होगा। इसके अलावा भी आप नीचे जाएं तो मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल की एक्सेसरी भी होगी यहाँ पर, मोबाइल भी होंगे। तो अगर आप कुछ कोई ख़रीदना चाहते हैं खुद, तो यहाँ पर आके इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे उसकी प्राइस है, उसको उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू है। उसके बाद उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन यानी उसका आप तारुफ जो उसने मजीद करवाया है वो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आके चैट विद सेलर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। चैट विद सेलर में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद होंगी, जिससे आप पहले से ही कुछ सवाल मौजूद होते हैं, और यहाँ पर आपके पास ऑफर्स भी है, यानी आप उस सेलर को ऑफर कर सकते हैं कि ये मुझे 18,500 की बजाय आप मुझे 14,000 में, 15,000 में, 16,000 में इस तरह दे दें। अगर आप वो सेलर को मनवा लें तो फिर उसके बाद वो सेलर आपको जितने में आपने डन किया था उतने में ही आपको देगा। मिसाल के तौर पे वहाँ पे ऑप्शन थी कि 17,500, तो आप अगर 17,500 में ऑप्शन सेलर को मनवा लेते हैं तो उसके बाद उस पर हक बनता है कि वो आपको 17,500 में ही मोबाइल दे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सेल के बटन पर क्लिक किया, प्लस सेल यहाँ पर लिखा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कैटेगरीज आ जाएंगी, यानी आप किस कैटेगरी की चीज़ बेचना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम मोबाइल में क्लिक करते हैं, आगे मोबाइल की भी ऑप्शन है। आप टैबलेट्स बेचना चाहते हैं, एसेसरीज बेचना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन ही बेचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एसेसरीज पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो बोलेगा कि ऐड अ टाइटल, यहाँ पर अपना टाइटल ऐड करें। कम से कम आप 70, ज़्यादा से ज़्यादा 70 अल्फाज का आप यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मोबाइल फोन
हैंड फ्री। उसके बाद नीचे आ जाए कुछ आप डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे आप हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपके आप सर्च करें गुड कंडीशन, यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद और इस तरह की यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे गुड फॉर एंड्रॉयड, इस तरह की आप और भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जितना आप ऐड करना चाहें उतना अच्छा होगा। इसके बाद नीचे आपके पास वो आएगा, बोलेगा टाइप उसकी मोबाइल है या टैबलेट, तो यहाँ पर हम मोबाइल पर ही क्लिक करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो हैंड फ्रीज होती हैं वो मोबाइल के लिए यूज होती हैं। इसके बाद वो नीचे पूछेगा कि कंडीशन कैसी है। याद रखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर सिर्फ पुरानी चीजें नहीं बिकती बल्कि न्यू और पुरानी, मतलब दोनों चीजें बिकती हैं। तो यहाँ पर हम न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं और यूज्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राइस यहाँ पर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर 500 लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर 20 से ज्यादा या 20 मिनिमम पिक्सल फोटोज यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमने ऐसे ही आजाद कश्मीर डाल दी, उसके बाद जो भी हमारे पास आता गया वो हमने डाल दिया। अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने से पहले याद रखिएगा आप ये तस्वीरें डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई सी भी यहाँ पर तस्वीर डाल देते हैं। इसमें कोई पिक्सल्स का वो नहीं होता कि इतने पिक्सल हो तो फिर डलेगी, इतने नहीं होंगे तो फिर डलेगी। इसमें आप कोई भी तस्वीर डाल सकते हैं। उसके बाद जब ये देखिए हमारी लग चुकी है तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे क्योंकि 10 डेज के लिए भी वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपके देख सकते हैं कि कैसे हमारी पोस्ट किसी भी खरीदार को शो होगी। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल फोन हैंड फ्री। ये जरूरी नहीं है आप यहाँ पर अपने मकसद की यहाँ चीज लगाएं। उसके बाद प्राइस जो हमने 500 लिखे थे, टाइप में हमने मोबाइल लिखा था और कंडीशन हमने न्यू लिखी थी। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कार सर्च करते हैं। कार सर्च जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10,000 से ज्यादा, इसमें भी 10,000 से ज्यादा मौजूद है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो होंडा सिटी है ये इस वक्त आप प्राइस देख सकते हैं इसकी, इतने प्राइस में हम इसके सेलर को कॉल करेंगे और वहां पर आप उनसे चैट करके बोलें कि हम आपके प्राइस से 35,000 या 30,000 या जितने भी आप चाहें उतने ज्यादा पैसों की बिकवाएंगे, तो जो ऊपर वाले पैसे होंगे वो हमारे होंगे। इस तरह वो सेलर मान जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो आप इसका सारा डिस्क्रिप्शन, इसका सारा टाइटल, इसकी तस्वीरें सारी उठाकर अपनी वेबसाइट पर या अपनी प्रोफाइल पर जाके लगा दें, तो जैसे ही आपकी ये चीज सेल होगी तो उसके बाद जो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर इन्वेस्टमेंट किए OLX पर पैसे कमा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आप अमल करके बहुत ही आसानी के साथ 40 से 50,000 महाना कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।